शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हाथ कैसे जला लिया? अम्मा, वो स्वीटी। अरे बाल बाल लूचे, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। एक बहन की गलती की सजा दूसरी भुगतेगी, तभी इस पूरे परिवार को समझाने का लिहाज करना आएगा। दुल्हन, जरा इधर तो आना। जी अम्मा। जरा रसोई में चलो। अम्मा, वो हमें कुछ काम से बाहर जाना है, हम किसी को भेज देते हैं आपकी मदद के लिए, ठीक है? हम तुम्हारी दादिया सास है, हमारी बात तुम्हारी सास भी कभी नहीं टाली। तुम किस खेत की मूली हो? चलो। ये भगवान, पोते का पीछा कर रहे थे और दादी पीछे पड़ गई। अब रिद्धिमा का पता कैसे लगा है? आ जाओ। हाँ, हमें चावल की पूरी खाने के बड़ा मन है। चलो काम पे लगाओ। हाँ चल। अरे हे भगवान, गर्म पानी में आटा गूंथते हैं। हाँ, चावल का आटा कभी गुना नहीं है क्या? अब गुन। हाँ, अरे देख क्या रही है। अरे तेजी दिखाओ, पढ़ाई लिखाई में जो दिखाती हो। चलो चलो चलो। हाँ, क्या कर रही हैं आप? थोड़ा हुआ पानी डाल दिया आपने उसके हाथ पे, मेरी बेटी के हाथ जला दिए। कितने लाल हो गए मेरे बच्ची के हाथ। इधर आ, ठंडे पानी से हाथ धो अपने। चावल का आटा है ना, वो ऐसे ही गूंथते हैं। अम्मा जी, हम भी जानते हैं चावल का आटा कैसे गूंथते हैं, इसीलिए आपको टोक दिया। चावल के आटे के लिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं, ना कि खोलता हुआ। आप जानबूझकर मेरी बेटी के साथ ये सब कर रही है ना? माँ, रहने दीजिए। क्यों बेटा, क्यों रहने दे? हाथ जाने दिया तो कल को ना जाने क्या करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, किया है, जानबूझ के ही किया है। हमारी पोती स्नेहा, उसका हाथ भी जलाया था इसकी बहन स्वीटी ने। स्वीटी ने? उसका बदला आप हमारी श्रवणी से लेंगी? उसकी सजा इसको क्यों दे रही हैं आप? और क्या, इसके मायके के लोग जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हम हमारी दुल्हन के साथ करेंगे। आशीर्वाद और सजा दोनों देने का अधिकार है हमें। ददिया सास है हम। आप ददिया सास हैं या नहीं ये अभी तक तय नहीं हुआ है अम्मा जी। मेरी बिटिया अभी तक इस रिश्ते को नहीं मानती है, पर आप बड़ी हैं इसलिए शबनी आपकी हर बात मानती है, आपके जुल्म सहती हैं। आप भी थोड़ा बड़प्पन दिखा दीजिए ताकि पल भर के लिए ये भी आपको अपना मान ले। सारे हाथ जला दिए हमारी बिटिया के। बस एक बार शादी का सच सामने आ जाएगा, उसके बाद ये रोज रोज की लड़ाई अपने आप बंद हो जाएगी। अम्मा, आप बुलाए थे हमको? क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं। अरे वो हम बताते हैं, वो घर जाके हमारे थोड़े कपड़े लाने हैं। उस घर में दिन में दो बार जाते हो ना, तो हमारा काम कर ली। जी अम्मा जी, हम ले आएंगे। दिन में दो बार? शिमांश,
अपने घर क्यों जाता है? हम छोड़ेंगे नहीं उस स्वीटी को। जानती नहीं है किससे पंगा लेकर बैठी है। बस एक बार हमको मौका मिल जाए, हम देखते हैं। मिस स्वीटी, ये लीजिए, ये आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट। दो दिन से लैब में पड़ी थी, आप आ भी नहीं रही थी, फोन भी नहीं उठा पा रही, तो मैं आपको घर पे देने चला आया। सोनोग्राफी रिपोर्ट? काहे बात की सोनोग्राफी करानी थी इसको? थैंक यू। वेलकम। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हमको हमारी जगह दिखा रही थी, इसको तो हम अभी बताएंगे। ये तो लॉक है, अब क्या करें? खिड़की, खिड़की से ट्राई करते हैं। क्यों है? तो चला देना। उस लड़की को यहां कहां छुपाया होगा? इसे भी अभी आना था। भैया जी, हमने कहा था ना कि हम हैं यहाँ ध्यान रखने के लिए, और वैसे भी वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। अबे हमें अम्मा के लिए कपड़े भी लेने थे। और भाभी जी, उनको शक तो नहीं हुआ ना? मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।